मैं अब इस पुरवकार तकरीब के अख्ताम पर आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जान आन शान मिसल आफ्ताब व महताब जिनकी नरमी और गर्मी से तकरीबन हर तालिबे इल्म फैज़याब हुआ, जो बिला शुबा किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देयर्स गिविंग अ बिग हैंड जनाब मोहतरम QAC डायरेक्टर मोहम्मदुल्ला खान आफरीदी, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें हमारे QAC डायरेक्टर मोहम्मदुल्ला खान आफरीदी साहब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की पुरवकार तकरीब के इनेकाद के अंदर मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन CNA फर्स्ट ईयर वालों को दूंगा कि जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस तरह इस दिन के हवाले से जिसको हम योम आज़ादी के नाम से और स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक जब 14 अगस्त का नाम सुनते हैं तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, और वो कैफियत आज़ादी की कैफियत है। आज़ादी अल्लाह का एक बहुत बड़ा नियामत है। अगर आप कश्मीरियों से पूछो तो वो आपको इसकी डेफिनेशन सही बयान करेंगे कि आज़ादी क्या चीज़ है। फ़लस्तीन से पूछें कि वो उनके लिए आज़ादी की अहमियत कितनी है। हमें हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने, हमारे उस ज़माने के नौजवान लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी उसमें हर मकतब फ़िक्र, वो मशाइख हो, तालिब इल्म हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, वकला हो, सब ने मिलकर कुर्बानी दी। और इस कुर्बानी के बाद ये मादरे मिल्लत वजूद में आया जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। इस तरह ये मुल्क एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हासिल किया है। अब ये तमाम जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है कि हम इनफरादी तौर के ऊपर इस मुल्क की कितनी खिदमत कर सकते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आप करोगे ना इंशाल्लाह? गुड, शाबाश। तो इस तरह मैं अपने अल्फाज तकरीर ख़त्म करता हूँ और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। थैंक यू।